3R जो है, 3R मतलब रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। कोई चीज़ आप फेंकने से पहले उसको ये चीज़ को पहले वेरीफाई करो। मैं घर से अगर एक टॉयज़ फेंक रहा हूँ, वो टॉयज़ मेरे बच्चे का है तो मैं फेंक रहा हूँ, तो उसको कोई गरीब बच्चा उसको इस्तेमाल कर सकता है क्या, ये सोच के हर मतलब हर इंसान ने ये सोचना चाहिए। अगर मैं कोई प्लास्टिक का बॉटल्स या कुछ फेंक रहा हूँ, उसको हम रीयूज कर सकते हैं क्या? अगर हम नहीं रीयूज कर रहे हैं, या तो नीचे का कोई बंदा कर सकता है। अभी कपड़े बहुत सारे रहते हैं लोगों के पास। अभी कमिश्नर सर का एक कंसेप्ट था कि मानुष किची भिंत, वॉल ऑफ काइंडनेस। वॉल ऑफ काइंडनेस का जो यह थीम है, वहाँ पे आपके पास शूज ज्यादा है, आपने यूज किया है, लेकिन आप देख रहे हो कि अभी धूप बढ़ रही है, लोगों के पास शूज भी नहीं है, चलने के लिए चप्पल भी नहीं है, तो वो चप्पल हम वहाँ पे वॉल ऑफ काइंडनेस के पास लाके रख सकते हैं। जो नीडी है वो नीडी लेके जाएगा, जो जिसको चाहिए वो जाके। और ये कैसे, हम अगर किसी को देते हैं डायरेक्ट, तो लोगों में शर्मिंदगी एक एहसास होता है। तो सर का जो कंसेप्ट है, कमिश्नर साहब डोले साहब का, तो उनको एक कंसेप्ट है कि वॉल ऑफ काइंडनेस बनाओ, आप वहाँ पे ले जाके जिनके पास ज्यादा है वो चीजें वहाँ पे रखेंगे, और जिसको जो इंसान आते समय उठा के लेके जाएगा। चप्पलें है, उसमें कपड़े है, आपके क्रॉकरी है, खेल के सामान है बच्चों को। अभी बच्चों को डायरेक्ट देते नहीं, हम बंगार में फेंक देते हैं, तो उधर लाके लोग रखेंगे, तो एक मैसेज जाएगा कि पब्लिक में रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। कोई चीज समंदर ते या वो नाले तक नहीं जाएगी, नाले चौक नहीं होंगे। ये कंसेप्ट कमिश्नर सर का है, और इसमें हमारे जो डेप्यूटी कमिश्नर सर है रवि पवार साहब, वो भी इनिशिएटिव बहुत ज्यादा ले रहे हैं रूट लेवल पे। ये हमारे पानपटे साहब है जो एडिशनल कमिश्नर है, वो भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं। और इस बार तो लग रहा है जहाँ पे पेंटिंग की है, जैसा आपने देखा रहेगा कि शहर थोड़ा सा बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस बार हम इंडिया में 10 नंबर के बीच में आना चाहते हैं, और हम प्रयास भी कर रहे हैं। इन्होंने एक बात जो कहा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वॉल ऑफ काइंडनेस। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी दीवार जहाँ पे मीरा भाईंदर या महानगर पालिका या अलग अलग जगह पे ऐसी दीवार दिखती है, आपके पास कपड़े ज्यादा है, बहुत ऐसे बहुत सक्षम लोग हैं जो कपड़े को, अच्छे कपड़े उनके रहते हैं, बाद में वो उनको चेंज कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट में जाता है। अगर आप वो कपड़े वहाँ पे लाके रख देते हैं, वो चप्पल जो आप यूज नहीं करना चाहते वो वहाँ पे रख देते हैं, वो खिलौने जो बच्चे आपके यूज करके फेंक देते हैं वो आप वहाँ पे लाके रख देते हैं, तो इससे आप सोचिए कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे जो ऐसे तबके के लोग हैं जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ से वो चीज़ उठा लेंगे। तो एक इसका दो ये फायदा हुआ, एक तो ये वो कचरे में नहीं गया, यानी वेस्टेज नहीं बनेगा, तो वो वेस्टेज की कमी हुई, प्रदूषण नहीं फैलेगा, और उससे किसी न किसी गरीब का, किसी न किसी जरूरतमंद का भला हो रहा है। तो ऐसी सोच लेकर के मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर काम कर रहे हैं, और दोस्तों वाकई में मीरा भाईंदर अब दिखने लगा है कि ये हमारा मीरा भाईंदर है। चाहे वो किसी भी मामले में देखो आप, स्वच्छता के मामले में, जैसे रीयूज के मामले में, इस तरह के मैसेजेस के प्रोग्राम जो आज के पहले बहुत कभी नहीं हुए थे, अब ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ऐसे कोई कॉन्सेप्ट लाते हैं, तो हम बढ़ चढ़ करके उनका हिस्सा बने, ऐसे एनजीओ सामने आए जो हाथ हाथ बन करके, क्योंकि प्रशासन के साथ जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा, पब्लिक अपने एक प्रशासन को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक वो मिशन पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसा इन्होंने कहा कि हम इंडिया में कम से कम अपना स्थान 10वां लाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है अगर हम, आप और प्रशासन मिल जाएं और जिद कर लें कि नहीं हमें लाना है तो हम लेके आएंगे। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा मैसेज है, इस वीडियो को देखिए आप, आपके पास जो भी ऐसा सामान है जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए वेस्टेज है, उसको एक बार सोचिए कि ये किसी दूसरे के काम में आ सकता है, तो वहाँ तक वो पहुँचाइए। वॉल ऑफ काइंडनेस बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि ये मीरा भाईंदर के कोने कोने में होना चाहिए। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ भंगार चीजें उठाई रहेगी, उसमें से आपने देखा रहेगा हमने बहुत सारी भंगार से भी बनाई है। तो रवि पवार साहब का भी वो कंसेप्ट था कि एक नेशनल आर्टिस्ट को यहाँ पे बुला के भंगार से भी अच्छी चीजें, मिसाइल्स, बंदूक, ये वो
ये हम लोग ये शो के लिए वो बनाए मतलब एग्जीबिशन, वो उन्होंने मतलब फेंकना नहीं है उसको, या तो वो चीज हर चीज को यूज करो, वो भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था। तो 3R का ये कंसेप्ट है, हर घर में 3R होना ही चाहिए। हर घर में कोई चीज फेंकने से पहले हर बंदा सोचे कि ये चीज मैं नहीं, तो चलो मेरे कर्मचारी या तो मेरे बाजू वाले या तो जो हमारे बिल्डिंग में काम करते हैं, स्वीपर रहेंगे या तो कोई वॉचमैन रहेगा, उसके बेटे को काम आता है क्या, उसके बेटी को काम आएगा क्या, कपड़े काम आते हैं, ये चीजें हर, इसका मैसेज यही है इसके पीछे कि 3R एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे को दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।